दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और शार्दुल ठाकुर को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शार्दुल ठाकुर की मैच विनिंग पारी को देख पाकिस्तानी दिग्गज हुए काफी ज्यादा खुश है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2023 के एक और मुकाबले महामुकाबले में नया उभरता सितारा निकल कर आया है। शार्दुल ठाकुर की बेहतरीन बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी को देख पाकिस्तानी दिग्गज काफी ज्यादा खुश हुए और उन्होंने खुश होकर एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिरकार शार्दुल ठाकुर की मैच विनिंग पारी को लेकर पाकिस्तानी दिग्गजों ने क्या बयान जारी किया ये तो आपको बताएंगे ही, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस मुकाबले में किस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, कोलकाता और बैंगलोर के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 81 रन से हरा दिया। इसके साथ ही कोलकाता की टीम ने टूर्नामेंट में पहली जीत हासिल की है। दरअसल इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शार्दुल ठाकुर के 68, रहमानुल्लाह गुरबाज के 57 और रिंकू सिंह के 46 रन के चलते 7 विकेट पर 204 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में बैंगलोर की टीम 17.4 ओवर में 123 रन पर सिमट गई। बैंगलोर के लिए सबसे ज्यादा 23 रन कप्तान फाफ प्लेसिस ने बनाए। कोलकाता के लिए वरुण चक्रवर्ती ने 4, सुयश शर्मा ने 3 और सुनील नरेन ने 2 विकेट लिए। शार्दुल ठाकुर को 1 विकेट मिला। वहीं बैंगलोर के लिए डेविड विली और कर्ण शर्मा ने 2-2 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज, माइकल प्रेसवेल और हर्षल पटेल को 1-1 विकेट मिला। ऐसे में कोलकाता की जीत के बाद ठाकुर के बेहतरीन प्रदर्शन को देख पाकिस्तानी दिग्गजों ने खुश होकर बड़ा बयान जारी कर दिया है जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा है कि इस मुकाबले में कोलकाता की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कोलकाता की टीम की तरफ से शार्दुल ठाकुर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी, अगर ठाकुर थोड़ा सा भी बेहतर प्रदर्शन नहीं करते तो शायद इस मुकाबले में कोलकाता की टीम को बिल्कुल भी जीत नहीं मिल पाती। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि शार्दुल ठाकुर की 68 रन की महत्वपूर्ण पारी में मुकाबले में जानकारी और बैंगलोर की टीम को एक तरफा हार का दावेदार भी बना दिया। ऐसे में मेरे अनुसार अब तक आईपीएल के इस साल की सबसे बेहतरीन पारी शार्दुल ठाकुर की है। तो दोस्तों दूसरी तरफ शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि इस महामुकाबले में कोलकाता की टीम की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अगर शार्दुल ठाकुर इतनी ज्यादा बेहतरीन पारी नहीं खेलते तो कोलकाता की टीम को बिल्कुल भी जीत नहीं मिल पाती। इस मुकाबले में गेम चेंजर खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि शार्दुल ठाकुर की इस पारी को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं और पारी को देखकर मैं एक बात भी कहना चाहूंगा, ऐसे खिलाड़ी को आप टीम से बाहर न रखें, इनके होने से भारत काफी ज्यादा मजबूत बनेगा। तो वहीं अफरीदी ने बयान देते हुए कहा कि बैंगलोर के खिलाफ कोलकाता की टीम को जीत दिलाने वाले खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर हैं। शार्दुल ठाकुर ने लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी की जिसके चलते हार का सामना करने वाले इस महामुकाबले को कोलकाता ने पलटकर जीत लिया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि शार्दुल ठाकुर की बेहतरीन बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी के दम पर बैंगलोर अकेले इस मुकाबले को हार गई। मुझे बेहद खुशी है, शार्दुल ठाकुर जैसा खिलाड़ी भारत का भविष्य है। मुझे उम्मीद है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में भी ऐसा खिलाड़ी आएगा और इनके तूफानी प्रदर्शन को कोई भी नहीं भुला पाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, शार्दुल ठाकुर के कारण कोलकाता की टीम को जीत मिली है या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।